नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की पांचवी वंदे भारत ट्रेन सहरसा से सियालदह तक चलेगी। वंदे भारत नए रूट से जुड़ेगा सहरसा क्षेत्र। गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी। भगवान राम की निकलेगी शोभा यात्रा। 80 फीट के रावण का होगा दहन। विजयादशमी पर देशभर में उत्सव। नवरात्र का समापन, दुर्गा विसर्जन। आज पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। बिहार पर्यटन के लिए नई पहल शुरू। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता, प्रतिभागियों को मिलेगा बड़ा पुरस्कार। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम घोषित। WTC के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। 16 अक्टूबर से टेस्ट मैच की होगी शुरुआत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के लोगों के लिए आने वाला त्यौहार खास रहने वाला है, क्योंकि राज्य को एक और नई वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। यह ट्रेन सहरसा से सियालदह के लिए चलने वाली है, जो मानसी, खगड़िया और झाझा के रास्ते जाएगी। पूर्व मध्य रेल ने ट्रेन के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। इस नए रूट के चलते सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के यात्रियों को सियालदह जाने का नया विकल्प मिलेगा और श्रद्धालु देवघर भी आसानी से जा सकेंगे। यह बिहार को मिल रही पांचवीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले 4 ट्रेनों को हरी झंडी मिल चुकी है। दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस साल 69वें वर्ष रावण दहन की तैयारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। इस बार रावण की ऊंचाई 80 फीट, कुंभकर्ण 75 फीट और मेघनाथ 70 फीट रखी गई है। शाम 5 बजे भगवान राम की सेना की शोभा गांधी मैदान गेट नंबर 1 से पहुंचेगी, जिसमें हनुमान सोने की लंका में आग लगाएंगे। इसके बाद रावण दहन प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षा के लिए गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है और 136 LED मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 20 हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए गांधी मैदान गेट संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 दोपहर 12 बजे खोल दिए गए हैं, जबकि विशिष्ट लोगों के लिए गेट नंबर 1, 2, 3 और मीडिया कर्मियों के लिए अलग गेट नंबर 13 निर्धारित किए गए हैं। आज देश भर में दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, पर मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के लिए विजय की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसे असत्य पर सत्य की जीत यानी विजय का पर्व बताया। विजयादशमी सनातन धर्म के 4 प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो इस वर्ष आज 12 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आश्विन शुक्ल दशमी तिथि भोर 5:47 से शुरू होकर 13 अक्टूबर की भोर 4:19 तक रहेगी। आज नवरात्र व्रत का भी पारण और दुर्गा प्रतिमाओं का भी विसर्जन होगा। मैसूर से दरभंगा जा रही दरभंगा बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1, 2, 5, 7, 8 तमिलनाडु के चेन्नई में कावरापेट्टई स्टेशन के पास एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा शुक्रवार रात 8:50 में हुआ था। इस दुर्घटना में कई कोच डीरेल हो गए और 2 डिब्बों में आग लग गई। दुर्घटना मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन पर चलने की गलती से हुई। इस घटना में 19 लोगों की घायल होने की सूचना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस दौरान यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 0627423213 एवं 8102918840 है। वहीं दरभंगा स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 0627223413 और 8210335395 है। वहीं दानापुर रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 9031069105 और 9031021352 और बड़ौनी रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 8252912043 उपलब्ध है। बिहार में डेंगू से प्रभावित लोगों के लिए एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल तेजी से चल रहा है। पटना में तीसरे चरण का ट्रायल 26 सितंबर को शुरू हुआ, जिसमें अब तक 6 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस परीक्षण में लगभग 500 लोगों को टीका लगाया जाएगा और ICMR 2 साल तक उनकी निगरानी करेगी। देश भर में टीका परीक्षण के लिए 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। डेंगू टीका के परीक्षण के लिए देश भर में 19 केंद्र चुने गए हैं। डेंगू के मामले बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। इस साल 4,416 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से 12 की मौत हो चुकी है। हालांकि वैक्सीन की देरी से पटना में ट्रायल प्रभावित हुआ है, जो जुलाई में शुरू होना था।
बिहार के राजगीर में देश का पहला क्रिप वॉक बनने जा रहा है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। वन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और यह निर्माण व्यवहार गिरी पर्वत पर होगा जिसकी लंबाई लगभग 260 मीटर होगी। क्रिप वॉक एक फिटनेस एक्टिविटी है जिसमें व्यक्ति छोटे कदमों से तेजी से चलता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वन विभाग के DFO ने बताया कि प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और 18 अक्टूबर को गुजरात से विशेषज्ञों की टीम इसका दौरा करेगी। इस पहल से राजगीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशहरा के अवसर पर युवाओं को खुशखबरी दी है। बीते दिन पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों पर जल्द भर्ती कराने का आदेश दिया है। इन पदों की नियुक्ति 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। इनमें 4,351 स्थायी और 11,259 संविदा पर शामिल हैं जैसे पंचायत सचिव, लिपिक और अन्य। आवेदन की प्रक्रिया नवम्बर में शुरू होगी जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपया आवेदन शुल्क होगा। नियुक्तियों के लिए वेतनमान 19,900 से 56,400 रुपये तक होगा। राज्य में पहले से 2,243 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हैं जिनके लिए ये नियुक्तियां आवश्यक हैं। पंचायती राज विभाग जल्द ही बहाली प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। मुजफ्फरपुर जिले के 486 विद्यालयों के 500 निवासी शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाई है जिसके चलते उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। DEO अजय कुमार सिंह ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि पहले भी ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान इस उपस्थिति के आधार पर होगा। इसके अलावा जिले के 1384 निजी विद्यालयों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है जिनमें से कई को मान्यता नहीं मिली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इन विद्यालयों की सूची जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मान्यता न लेने वाले स्कूलों पर जुर्माना और बंद करने का आदेश भी दिया जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता सहित 4 नई योजनाओं का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतिभागी 50,000 रुपये तक जीत सकते हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि यह पहल 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है जिसमें प्रतिभागियों को अपने प्रखंड के पर्यटन स्थलों का विवरण 200 शब्दों में 3 तस्वीरों और 30 सेकंड के वीडियो क्लिप के साथ प्रस्तुत करना होगा और पर्यटन विभाग की वेबसाइट tourism.bihar.gov.in पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के लिए भी एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें उनके वीडियो का उपयोग बिहार पर्यटन को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा। कुल 16 श्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा और पुरस्कृत प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कारों के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इस पहल से बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। विभाग की वेबसाइट पर इसका सारा डिटेल है। बिहार में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर आज सुबह 6 बजे एक गंभीर टक्कर हुई। 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर में गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। दोनों गाड़ियों में एयर बैग खुलने से सवारों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना ने राज्य में बढ़ते सड़क हादसों की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम पटना के कंकड़बाग में आयोजित हुआ। जानकारी के अनुसार राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था जहाँ सभी मंत्रीगण पहुंचे थे। वहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विजयदशमी की बधाई देते हुए असत्य पर सत्य की विजय का जिक्र किया और दरभंगा आ रही रेल की दुर्घटना की चिंता व्यक्त की। बिहार पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों में वर्दी में रील बनाने का शौक बढ़ता जा रहा है जो कि पुलिस मुख्यालय के आदेशों का उल्लंघन है। ताजा मामला भोजपुर जिले की महिला सिपाही गुंजा का है जो एक वायरल वीडियो में रोमांटिक गाने पर रील बनाती हुई नजर आई। बिहार पुलिस ने इस वीडियो की जांच का आदेश दिया है जबकि मुख्यालय ने पहले ही वर्दी या हथियार के साथ रील बनाने पर रोक लगाई थी। इससे पहले भी गया महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को इसी कारण निलंबित किया गया था। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यकुशलता और एकाग्रता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाहर अपराधियों का एक गिरोह सक्रिय है जो सीधे साधे
रेल यात्रियों को अपने झांसे में लेता है, पहले उसे जानकारी लेता है कि वो कहाँ जाने वाला है और फिर उसे उक्त जगह पर छोड़ देने का प्रलोभन देता है। जब कोई यात्री इन बदमाशों के झांसे में आ जाता है तो वो उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर रवाना होता है। उदाहरण के लिए तारकेश्वर सिंह से 17,000 रुपये और अन्य दस्तावेज चुराए गए, जबकि सुनील कुमार से ट्रेन में दोस्ती कर सामान लेकर फरार हुआ। बदमाश यात्री को झांसे में लेने के बाद वाहन चेकिंग के नाम पर उन्हें गिरोह के सदस्यों के साथ ले जाते हैं और फिर सामान चुरा लेते हैं। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है, लेकिन यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी पटना स्थित पांच देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लंबे समय बाद बंगला खाली किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर सरकारी सामान ले जाने के आरोप लगाए। विजयादशमी के शुभ अवसर पर अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। 2015 से इस बंगले को फिजूल खर्ची के कारण भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जब तेजस्वी यादव ने इसे पाँच सितारा होटल की तरह सजाया था। इसके अलावा वास्तु दोष के कारण भी यह बंगला चर्चा में रहा है, जिससे नेताओं के कार्यकाल के प्रभावित होने की बातें भी की जाती हैं। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैचों में शामिल रहे। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में यह 15 सदस्यीय टीम 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3 टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। यश दयाल को टीम से बाहर किया गया है, जबकि ध्रुव जुड़ेल और अक्षर पटेल को बरकरार रखा गया है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए 3 टेस्ट जीतने की जरूरत है। भारत को घरेलू लाभ मिलेगा, जिसे वो भुनाना चाहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव जुड़ेल विकेट कीपर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाश देव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमिला कुमारी, रंजित मिश्रा, नंद कुमार सिंह, नौशाद रजा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, छोटू राजा, अर्जुन राम, रवि कुमार राम, कामेश्वर सिंह, गुनार शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि डेंगू से बचने के लिए आप क्या करते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।